हेलो एवरीवन, हम लोग बनाएंगे आज सूप। ये एक पर्शियन डिश है और इसको बनाने के लिए एक बोल हमने छोला ले लिया और एक बोल हमने राजमा ले लिया और ओवरनाइट पानी में धो के रख दिया। एक बंच हमने पालक का ले लिया था और इसको गर्म पानी में डाल के ब्लांच करके रख दिया। फिर हमने एक बर्तन लिया, उसमें 2-3 स्पून ऑयल डाले और 2 बड़े साइज की प्याज ले ली और लाइट ब्राउन कर देंगे इसमें। और फिर 2-3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए और हमने इसको काट के इसको भून लिया। एक बड़े स्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया और 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून हल्दी पाउडर और नमक मिर्च गरम मसाला पाउडर, ये सब हमने डाल के इसमें भून लेना है। और फिर जो हमने रात भर भिगो के रखे थे छोले और राजमा, वो हमने डाल दिया और उसको भी भून लिया। नूडल्स इसमें पड़ते हैं तो हमने, मेरे पास पास्ता नूडल्स थे वो हमने डाल दिए धो के। और ब्लांच करी हुई पालक डाल दी और एक बड़ा बोल हमने पानी ले लिया और उसमें डाल दिया और कुकर में 2 सीटियां लगा देंगे। इसमें पास्ता और जो छोले राजमा ये सब पक जाएगा। जब ये गल जाएगा तो ये हम लोग का रेडी हो जाएगा। ये एक बहुत हाई प्रोटीन डिश है। इसमें वेजी और इसको हमने हरा धनिया और हरी मिर्च और लेमन से गार्निश कर दिया। तो ये हम लोग का आज रेसिपी तैयार हो गई है।